नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम जयप्रकाश एसोसिएट यानी कि जेपी एसोसिएट स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो जेपी एसोसिएट की बात की जाए तो आज स्टॉक ने 6% ऊपर क्लोजिंग दिए। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के ऊपर नज़र डालेंगे। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक में यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम जनरेट हो चुकी है। तो न्यूज़ की बात की जाए तो जयप्रकाश एसोसिएट सेप्टेम्बर क्वार्टर कंसोल नेट लॉस आफ्टर टैक्स 2.46 बिलियन रुपीज़। तो देख सकते कि तकरीबन जेपी एसोसिएट का सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे नेट लॉस जो है यहाँ पे 2.46 बिलियन रुपीज़ का हो चुका है। यहाँ पे रिसेंटली नज़र आ रहा है क्योंकि आज क्वार्टर के नतीजे थे और यहाँ पे आप देख सकते कि कोई खास अपडेट नज़र नहीं आ रही। जेपी एसोसिएट लिमिटेड सेप्टेम्बर क्वार्टर कंसोल नेट लॉस आफ्टर टैक्स रुपीज़ वर्सेस लॉस 3.35 बिलियन रुपीज़ लास्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे लास्ट ईयर क्वार्टर सेम क्वार्टर जेपी एसोसिएट सेप्टेम्बर क्वार्टर कंसोल रेवेन्यू फ्रॉम 18.96 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 18.20 बिलियन रुपीज़। तो ये देख सकते कि रिसेंटली स्टॉक में वॉल्यूम अच्छे खासे आ जाते हैं कंटिन्यूस। तो स्टॉक यहाँ पे 19 लेवल को भी ब्रेकआउट डे के ऊपर जाने के जो चांसेस है बढ़ सकते हैं।